शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। भोपाल से खबर, एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर बवाल अभी भी जारी है। रेगांव पूर्व विधायक ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। कल्पना वर्मा ने सचिव पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने जीतू पटवारी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा, सचिव पद की जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। तो देखिए, रेगांव से पूर्व विधायक ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहा है कि मैं ये नहीं निभा पाऊंगी, आप किसी और को दे दीजिए। सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जिन्हें जिम्मेदारी मिली है वो भी नाराज हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दूसरी सूची जारी हुई है और कई ऐसे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्हें सचिव के पद पर कार्यकारिणी में शामिल किया, शायद यही कारण है कि एक सम्मान उन विधायकों को नहीं मिला है, पूर्व विधायकों को नहीं मिला है। शायद यही कारण है कि लगातार पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए। कल्पना वर्मा की बात हो तो रहगांव से पिछली बार जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो उस समय वो चुनकर आई थी और करीब 3 साल का कार्यकाल रहा। हालांकि पिछली बार चुनाव हारी 2023 में, लेकिन विधायक थी और सचिव के पद पर उन्हें इस बार शामिल किया। शायद यही कारण है कि कई वरिष्ठ नेता हैं जो विधायक हैं या पूर्व विधायक रहे हैं या पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें सचिव सह सचिव की श्रेणी में डाला गया। शायद यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं इसे उनका अपमान मान रहे हैं। शायद यही कारण है कि चाहे यासिन की बात हो या कल्पना वर्मा की बात हो, दोनों ने अपने सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।